हेलो दोस्तों, देखो सीखो विद वीके सिंह में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर कंप्यूटर के लिए यानी कि ट्रिपल सी के लिए कोर्स लेके आइए, ट्रिपल सी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आइए, फ्री क्विज लेके आइए। तो देखिए, ट्रिपल सी के लिए यानी कि कंप्यूटर के लिए आपके लिए जिन भी एग्जामों में कंप्यूटर पूछे जाते हैं, आपके यूपी ट्रिपल एस सी हो गया, यूपीएससी हो गया, बैंक हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, या आपका ट्रिपल सी का जो आपका एग्जाम होता है कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट, तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रैक्टिस सेट होने वाला है। लगभग मैं 20 प्रैक्टिस सेट से भी अधिक प्रैक्टिस सेट आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके छोटे छोटे पार्ट में होंगे, जो कि आपके एक एक प्रैक्टिस सेट के रूप में होंगे। 20 से मैं आपको क्या कम से कम 50 या 40 प्रोवाइड कराने की कोशिश, भरपूर आपको कोशिश करूंगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, रोज आपको एक प्रैक्टिस सेट मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आंसर देने का प्रयास कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा, ठीक है। तो एक प्रैक्टिस सेट में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला नंबर क्वेश्चन है। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है, लैन कार्ड जो है, लैन कार्ड इसका एक अन्य नाम क्या है वो आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ऑप्शंस में से बताइए, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। तो जिन लोगों ने ए सही किया है वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। क्विज दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की डिवाइस की क्षमता जो है उसको क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, इसका क्या आंसर होगा। तो देखिए, जिन लोगों ने बी आंसर किया वो बिल्कुल सही है। क्विज हम लगातार हम आपके लिए लेके आएंगे, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सिर्फ एक पार्ट है, ये आपको लगातार मिलेगा, डेली आपको क्विज मिलेंगे, आपको 25 क्वेश्चन डेली मिलेंगे। तो रैंडम एसेस बोलते हैं उसको, रिक्वेस्टेड डाटा पर सीधे जंप करने की जो डिवाइस की क्षमता होती है उसको बोलते हैं रैंडम एसेस, ठीक है। तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन है, प्रोग्राम में सभी स्टेटमेंट्स को एक सिंगल बैच में कन्वर्ट करता है और इंस्ट्रक्शन को एक नई फाइल में रखा जाता है, उसको क्या बोलते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, कंपाइलर बोलते हैं, ठीक है, बी इसका आंसर होगा। देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए बी सी डी में से बताइए कौन सही है, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो देखिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर होगा, बिल गेट्स और एलन पॉल। अगर ऐसा पूछता है माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, तो आप बिल गेट्स और एलन पॉल दोनों करेंगे, इसका आंसर डी होगा, ठीक है। तो देखिए, पांचवा नंबर क्वेश्चन आ चुका है, कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट है जो कंप्यूटर को स्वयं को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता करता है, उसको क्या बोलेंगे। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, ए बी सी डी में से बताइए, कौन सा सॉफ्टवेयर है वो। तो देखिए, इसका जो आंसर होगा, सभी लोग आंसर किए होंगे शायद, इसका जो आंसर होगा, देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बोलते हैं उसको, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रोग्रामों का एक सेट होता है जो स्वयं को यानी कंप्यूटर को मॉनिटर करने और अधिक दक्षता से कार्य करने में सहायता प्रदान करता है, तो इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए, छः नंबर जो क्वेश्चन है, टेक्स्ट की लाइन के आरंभ में मूव होने के लिए कुंजी प्रेस कीजिए, मतलब कौन सी कुंजी यहाँ पर प्रेस की जाएगी, ठीक है, उसको आपको बताना है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो कुंजी प्रेस करना होगा आपको, होम का प्रेस करना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी, जिन लोगों ने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है। सात नंबर क्वेश्चन में, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर प्रिंटेड लाइनों का पैटर्न को क्या कहते हैं, मतलब कि जो प्रिंटेड लाइन का पैटर्न होता है अधिकांश प्रोडक्ट पर उनको क्या कहते हैं। जल्दी से आंसर कीजिए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, जिन लोगों ने डी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, बार कोड होता है, अगर आप देखेंगे प्रोडक्ट पीछे ऐसे लाइनिंग रहती है, ठीक है,
कुछ इस तरह का रहता है, बार कोड बोलते हैं, और बार कोड रीडर से उसको देखते हैं जिससे आपको पता चलता है कि कितने प्राइस का वो है। ठीक है, देखिए 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर को एसेस करने के लिए प्रयोक्ता जो होता है प्राय का प्रयोग करता है, किसका प्रयोग करता है प्रयोक्ता जो होता है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ए, टर्मिनल का प्रयोग करता है। जिन लोगों ने ए सही किया है वो बिल्कुल सही है, ए सही होगा। ठीक है, 9 नंबर जो क्वेश्चन है, जब आप कंप्यूटर चालू करते हैं तब बूट रूटीन या टेस्ट करता है, क्या टेस्ट करता है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बहुत ही आसान है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, डी इसका आंसर होगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। जिन लोगों ने डी आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 नंबर क्वेश्चन, देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि रैम के विषय में क्या आपका सत्य नहीं है, मतलब इन ऑप्शंस में से कौन सा इसमें गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो जल्दी से टाइप कीजिए। तो देखिए इसमें जो गलत है वो है बी, जिन लोगों ने बी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, रैम तथा हार्ड डिस्क एक ही चीज है, ये एक ही चीज नहीं होता है, वो अलग अलग होता है, रैम अलग होता है और हार्ड डिस्क अलग होता है। ठीक है, तो इसका आंसर बी होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर मैसेज है, डू यू रियली वॉन्ट टू डिलीट द सेलेक्टेड फाइल, प्रयुक्ता यस बटन पर क्लिक करता है, तो इसे क्या कहा जाता है, मतलब कि जो डिलीट करने के लिए फाइल जब ऑप्शन आता है तो वहां पर जब प्रयोक्ता जो प्रयोग करता है वो यस बटन पर क्लिक करता है तो उसको क्या कहते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो यहां पर होगा यूजर रिस्पॉन्स, तो आंसर सी होगा। जिन लोगों ने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होगा। ठीक है, यूजर अपना रिस्पॉन्स देता है। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है इसमें आपको यहां पर फिल करना है, में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, मतलब किस में कन्वर्ट किए गए डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, HTML जो होता है वो कन्वर्ट किया गया फाइल है तो उसको वेब डॉक्यूमेंट को वेब पर प्रकाशित किया जा सकता है। ठीक है, तो डी इसका आंसर होगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, वर्कशीट में कॉलम और रो, मतलब रो और जो कॉलम होता है के इंटरसेक्शन को क्या कहते हैं, जो उनका इंटरसेक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, कॉलम और रो आप जानते ही होंगे, और शीट की बात करिए यहाँ पे, वर्कशीट किसको कब बोलते हैं, वहां पर आपका एक्सेल जो होता है, एक्सेल की बात कर रहा, तो यहाँ पर रो और कॉलम का जो आपका है इंटरसेक्शन उसको क्या बोलते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए, तो उसको जो बोलते हैं वो बोलते हैं सेल। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है, सेल बोलते हैं उसको। ठीक है, ये जो आपका है वो सेल है। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उसे, मतलब जो फाइल है उसको फाइल कहते हैं, कौन सी फाइल करते हैं। ठीक है, ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, जब फाइल में वे इंस्ट्रक्शन होते हैं जिन्हें कंप्यूटर कैरी आउट कर सकता है तो उन फाइल्स को क्या कहते हैं, एजुकेटेबल फाइल, तो यहां पर जो आंसर होगा वो होगा सी, एजुक्यूटेबल फाइल। ठीक है, देखिए 15 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, देखिए यहाँ पे तेरा स्लाइड के बारे में बोल रहा है, देखिए सीट कब हो जाता है, जब पेज ही रहता है उसको सीट कब बोलते हैं, एक्सेल में सीट बोलते हैं और पावर पॉइंट में जब हम आते हैं तो उसको स्लाइड बोलने लगते हैं। ठीक है, तो देखिए यही क्वेश्चन है आपका, यदि आप चाहते हैं कि एक स्लाइड विनिर्दिष्ट समय के बाद ऑटोमेटिकली आगे जाए तो एनिमेशन के टैब में इस स्लाइड ग्रुप के ट्रांजिशन में चेक बॉक्स क्लिक करें, मतलब यहाँ पर क्या भराएगा, मतलब कौन सा ऑप्शन है जिसपे हमको चेकबॉक्स करना होगा। ठीक है, वो आपको बताना है, बहुत ही आसान है, आप देख के जान सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा बी, जिन लोगों ने बी आंसर किया है ऑटोमेटिकली आफ्टर होता है, मतलब एक स्लाइड आएगा उसके बाद। ठीक है, तो यहां पे बी आंसर होगा। ठीक है,
देखिए 16 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे बोल रहा है कि यदि आप कोई मेनू खोलते हैं, ठीक है, और फिर बाद में तय करते हैं कि आप कोई ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना चाहते, ठीक है, तो मेनू टाइटल को फिर से क्लिक करें या मेनू को बंद करने के लिए मतलब कौन सी कुंजी इसमें से दबाएंगे, ठीक है। ऑप्शंस आपके जो दिए हुए हैं वो आपको बताना है। तो ऑप्शंस देख के ही आप बता सकते हैं इसका आंसर सी होगा। पीछे चले जाते हैं, यहाँ पे एस्केप अगर हम दबा देते हैं तो ठीक है, तो इसका आंसर होगा बंद करने के लिए सी, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। स्लाइड का प्रयोग करते हुए प्रेजेंटेशन मतलब आप यहाँ पे काम किस में कर रहे हैं, जल्दी से टाइप कीजिए, काम किस में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, यहाँ पे पावर पॉइंट में काम हो रहा है, ठीक है। सभी स्लाइडों के फॉन्ट की विशेषताओं को बदला जा सकता है, मतलब किस में जाकर, ठीक है। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से आपको बताना है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा होगा सी। मास्टर में अगर हम जाएंगे तो सभी आपके जो स्लाइड हैं उनके फॉन्ट के विशेषताओं को बदला जा सकता है, सी आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। ऑपरेटिंग सिस्टम की उस क्षमता को क्या कहते हैं जिसे कई सीपीयू का प्रयोग करते हुए, कई सीपीयू का हम प्रयोग करेंगे एक ही कंप्यूटर सिस्टम में, एक ही साथ दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जा सकती है, उसको क्या कहेंगे, उस क्षमता को क्या कहेंगे। मल्टी प्रोसेसिंग, ठीक है। इसका आंसर जो होगा वो होगा सी। जिन लोगों ने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। मुफ्त में प्रयोग किए जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर कौन सा है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, बताइए जल्दी से कौन सा मुफ्त में प्रयोग किए जा सकने वाला कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर है। तो बहुत ही आसान है, इसका जो आंसर होगा होगा बी, फ्रीवेयर। इसका आंसर बी होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। एक अलग शीट में उपस्थित सेल से डाटा प्राप्त करना कहलाता है। एक अलग जो शीट है, शीट मतलब आप समझ ही चुके होंगे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं शीट मतलब वर्कशीट, मतलब क्या मैंने बताया था आपको, एक्सेल में हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सेल उसी को बोलते हैं जो हमने बताया था आपको, यहाँ पे रो और कॉलम से मिलकर जो बन रहा है इसको सेल कहते हैं। तो सेल से जो डाटा प्राप्त करना कहलाता है उसको क्या कहेंगे। ऑप्शंस जो दिए हुए हैं उनमें से बताइए जल्दी से आंसर। तो इसको बोलते हैं रिफ्रेशिंग। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा बी। जिन लोगों ने बी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, ठीक है, बी आंसर होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इसमें आपको बताना है कि इंटर रिलेटेड कंपोनेंट का एक सेट है, उसको जो किसी संस्था में निर्णय लेने और नियंत्रण में सहायता के लिए सूचना एकत्र, प्रोसेस, स्टोर और वितरित करता है, सबसे अच्छे तरीके से कहकर परिभाषित कीजिए, उसको क्या कहेंगे सबसे अच्छे तरीके से। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो उसको जो बोलेंगे वो बोलेंगे सूचना प्रणाली। जिन लोगों ने सी आंसर किया वो बिल्कुल सही है, सी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। यहाँ पे आपको फिल करना है, क्या फिल होगा, से फाइल की साइज जो है सिकुड़ जाता है जिससे इसे कम स्टोरेज स्पेस की आवश्यकता होती है, मतलब किसकी सहायता से, किससे जो होता है फाइल सिकुड़ जाता है। ऑप्शंस आपके दिए हुए हैं, तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, कंप्रेशन जो है वो होगा सही आंसर, डी इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है 23 नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ पर फिल करना है के माध्यम से, मतलब यहाँ पर जो फिल होगा उसके माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में टेक्स्ट मतलब कि जो आपकी लिखावट होती है और न्यूमेरिक डाटा जो होता है एंटर करने की पद्धति सर्वाधिक कॉमन है, मतलब किससे हम एंटर करते हैं। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, तो किससे हम एंटर करते हैं जानते ही होंगे। इसका आंसर होगा डी, कीबोर्ड, जिससे हम टाइप करते हैं टेक्स्ट और आपके न्यूमेरिक डाटा, ठीक है, इसका आंसर डी होगा।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। कंप्यूटर का जो हार्ड डिस्क है वो क्या है, इन ऑप्शंस में से आपको बताना है। जल्दी से आंसर टाइप कीजिए। तो हार्ड डिस्क जो है वो किसमें आता है आपका, हार्डवेयर में। इसका आंसर जो होगा वो कंप्यूटर हार्डवेयर है, डी। जिन लोगों ने डी सही किया है वो बिल्कुल सही है। अब लास्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसके बाद आप बताइएगा कि आपके 25 क्वेश्चन में से यानी कि इस सेट में से कितने सारे क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। ठीक है, तो देखिए 25 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। आपको बताना है कि डिस्क जो है को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शंस आपके दिए हुए, जल्दी से आंसर कीजिए, क्या कहलाती है वो प्रक्रिया। तो उसको क्या कहते हैं, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बी इसका आंसर होगा, फॉर्मेटिंग करते हैं। ठीक है, फॉर्मेटिंग कहते हैं उसको। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों कि आपको हमारा ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा। तो वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर लें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें, जिससे कोई भी हम वीडियोस डालें तो आपको पता चलते रहे। नीचे रेड कलर का बटन होगा सब्सक्राइब, और बगल में बेल आइकन होगा, दोनों को आप प्रेस जरूर से जरूर कर लें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चलते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने कमेंट और सुझाव जरूर से जरूर इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।